आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की कुल 69,000 पदों पर भर्ती की अधिसूचना हेतु 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसकी लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को कराई गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की बड़े पैमाने पर अवहेलना की गई है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह इस भर्ती में मात्र 3.86% आरक्षण मिला है, और इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग को इस भर्ती में 21% आरक्षण की जगह 16% के लगभग आरक्षण प्राप्त हुआ है। आरक्षित वर्ग की लगभग 15,000 आरक्षित सीटों को एमआरसी प्रक्रिया द्वारा रोका जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों एनसीईआरटी कार्यालय प्रयागराज व लखनऊ सचिव स्तर के सभी प्रमुख बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर अंतरिम रिपोर्ट तैयार की, जिसमें आरक्षण के नियमों के साथ धांधली का खुलासा हुआ। इस अंतरिम रिपोर्ट को सरकार के पास भेजते हुए आयोग ने सरकार से इस संबंध में 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा। एक माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस अंतरिम रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने आगे कहा, आरक्षण घोटाले से परेशान व न्याय न मिलता देख 55 अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है। यह अत्यंत पीड़ादायक है। आजाद समाज पार्टी मांग करती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों का सही से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों का भविष्य अधर में न डालें। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश कुमार, नितिन बेतपाल, राजीव कुमार, राहुल सिंह, किरण पाल, सचिन गौतम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जानकारी देते हुए सुनील आजाद ने बताया। किस संगठन के द्वारा यह बैनर ज्ञापन दिया गया? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के द्वारा संयुक्त एक ज्ञापन जिलाधिकारी माध्यम के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा गया है। अभी हाल ही में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है, उसमें एससी एसटी ओबीसी के तय मानक आरक्षण का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि खुले तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ बाबू सराफत अली जी, महानगर महासचिव अनिल कुमार आजाद जी, जिला उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष। मान लीजिए आपकी बातों पर विचार में नहीं किया गया तो क्या कार्रवाई की जाएगी? आजाद देखिए इसमें बड़े लेवल पे आंदोलन होगा, क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आंदोलन से ही पैदा हुई है, लोगों की हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए ही बनी है। और जो संविधान के खिलाफ कार्य होगा, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी हमेशा उसका विरोध करेगी।